हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीनूज किचन आर्ट्स एंड ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आज जो आपके लिए मैं हेल्दी और फ्रेश रेसिपी लेकर आई हूँ वो बहुत ही टेस्टी है और लाजवाब भी। तो फ्रेंड्स, मगर उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक भी कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस तो करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी मैं बना रही हूँ वो बहुत ही टेस्टी है और उसके फ़ायदे मैं यहाँ पे मेंशन कर दी हूँ, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। और फ्रेंड्स, ये जो रेसिपी है करौंदे की वो बहुत ही टेस्टी होती है। यह एक फल के रूप में भी जाना जाता है और इसकी सब्जी भी बनाई जाती है। आज मैंने इसे खाने के साथ में साइड रेसिपी के हिसाब से बनाई है। जिसे हम बनाए हैं वो है करौंदे और हरी मिर्च, और करौंदे को हम इंग्लिश में क्रैनबेरीज भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज मैं आपको बता देती हूँ ये मैंने कैसे बनाई है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर देते हैं हमारी मिर्च करौंदे की सब्जी को। तो यहाँ पे 100 ग्राम जितने मैंने करौंदे लिए हैं। फ्रेंड्स, करौंदे जो होते हैं बहुत खट्टे होते हैं, तो 100 ग्राम काफ़ी है। और ये है हरी मिर्च 250 ग्राम, और ये कुछ हरी मिर्च फ्रेंड्स मैंने भरवा बना रही हूँ जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे उपलब्ध है। तो ये फ्रेंड्स अभी मैं इनको धो चुकी हूँ और साफ़ करके रखी थी और इनको अब कट कर रही हूँ। फ्रेंड्स, इसके ऊपर एक छोटी सी कैप होती है जिसको हाथ से आराम से निकाला जा सकता है, और इसके दो टुकड़े करके इसको हम इस तरीके से काटेंगे। इसके फ्रेंड्स बीज जो होते हैं, ये जो वाइट है, वो यदि बिल्कुल ब्लैक निकले तो आप उन बीजों को निकाल दीजिएगा, बिल्कुल आसानी से निकल जाते हैं। तो अब मैं यहाँ पे सारे के सारे करौंदे कट कर लूँगी। इन 250 ग्राम में यदि आपकी मिर्ची जो है तीखी ना हो तो आप इसमें आधा किलो मिर्च भी डाल सकते हैं, अगर आपको बहुत दिनों तक स्टोर करना हो तो। और ये फ्रेंड्स काफ़ी दिनों तक चलती भी है, इसे आप कम से कम 10 से 15 दिन आराम से रख सकते हैं और इसे आप फ्रिज में ही रखें। तो फ्रेंड्स, अब करौंदे तो कट गए हैं, तो अब बारी है हमारी हरी मिर्च की। तो ये भी मैंने गोल गोल कट कर ली है, और आप इसे लंबा भी कट कर सकते हैं हरी मिर्च को। तो अब छौंकने की तैयारी करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ले ली है एक कढ़ाई जिसमें डाल दूंगी मैं रिफाइंड ऑयल। ये 2 से 3 टेबलस्पून जितना ऑयल है, आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें डाल रहे हैं हमारे जीरा और राई। इसको चटकने के बाद हम यहाँ डालेंगे अब सौंफ। सौंफ को स्किप ना करें। अब इसमें डाल देंगे हम कच्चे जो हमने सब्जी काट रखी है, हरी मिर्च और करौंदे। फ्रेंड्स, करौंदे बहुत खट्टे होते हैं, इसलिए आप इसमें इसको जितना आप खा सकते हैं उसी हिसाब से आप डालें, मगर मिर्च यदि आपकी तीखी नहीं है तो आप कितना भी डाल सकते हैं। अब इसमें हमने कुछ घरेलू मसाले डाल दिए हैं स्वाद के अनुसार, नमक, हल्दी और धनिया पाउडर। अगर आपकी हरी मिर्च बिल्कुल भी तीखी नहीं है तो आप इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अब इनको हम अच्छी तरीके से चला के मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स, हम इसको 2 से 3 मिनट तक इसको ढककर पका लेंगे। बहुत जल्दी पक के बन जाती है। तो ये हमने ढक दिया है और अब 3 मिनट के बाद फ्रेंड्स देख रहे हैं, हम इसको चेक कर रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से बन के आई है हमारी मिर्च करौंदे की ये रेसिपी। इस टाइम में हम डाल देंगे इसमें हींग, और इस समय ही हींग डालने से हमारी इस सब्जी में हींग का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत बढ़िया खुशबू टेस्ट आएगा। और ये देखिए करौंदे हमारे पक चुके हैं, मगर फ्रेंड्स हींग डालिए इसलिए हम इसे 1 मिनट और पका लेंगे।
और एक मिनट के बाद फ्रेंड्स हमारी जो रेसिपी है बनकर रेडी हो गई है, बहुत बढ़िया टेस्टी और खुशबू आ रही है। और इसको आप घर पे ज़रूर बनाएं, क्योंकि करौंदे बहुत ही फायदेमंद रहता है। इसे आप कम से कम 10 से 15 मिनट तक दिन तक स्टोर कर सकते हैं, फ्रिज में ही रख के इसे स्टोर करें। तो फ्रेंड्स आज की ये मेरी रेसिपी कैसी लगी आपको? यदि आपके पास घर में चटनी या सॉस या जो भी आप खाते नहीं हो, तो ये आपकी स्टोर की हुई मिर्च करौंदे की रेसिपी आपके काम आएगी। तो खाने में इसको चावल, दाल, रोटी, पराठा, पूरी, किसी के साथ भी, लंच, डिनर किसी में भी हम इसको परोस सकते हैं। मैंने इसे लंच में परोसा है चपाती के साथ। गट्टे की सब्जी फ्रेंड्स मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, प्याज और ये भरी हुई मिर्च जो मैंने आपको दिखाई थी, और ये है हमारी मिर्च करौंदे। इन सब की रेसिपीज मेरे चैनल में ऑलरेडी है। तो मिलते हैं फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।